इस वीडियो में विटामिन डी के बारे में बताया जाएगा कि वो प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है, फीड ब्रेस्ट फीडिंग में क्यों ज़रूरी है, इनफर्टिलिटी के लिए क्यों ज़रूरी है, जनरली बोन हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है और कैंसर के कुछ कैंसर के प्रिवेंशन के लिए क्यों ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ये प्लीज़ वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं शोबाए गायनी से मुंसलिक हूँ और मैं फातिमगढ़ हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ गायनी के तौर पे काम कर रही हूँ। आज जो मैंने बात करनी है वो विटामिन डी के बारे में बात करनी है और उसकी ज़रूरत क्यों है एक फ़ीमेल के लिए। सबसे पहले वो, और जैसे सबको ही पता है कि वो औरत की हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत मुफीद है। विटामिन डी की वजह से हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम जज़ब होता है और जिससे हमारी बोन हेल्थ पे फ़ायदा रहता है। इसके अलावा विटामिन डी क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी में ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ विटामिन डी होना चाहिए ताकि उनकी अपनी हड्डियां भी सेहतमंद रहें और आवल से बच्चे को भी विटामिन डी सप्लाई हो और इस तरह बच्चे की भी बोन हेल्थ में मुफीद हो। ये भी देखा गया है, स्टडीज़ ने ये दिखाया गया है कि विटामिन डी नॉर्मल मकदार में होने से औरत को हमल में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमल में ब्लड प्रेशर के अलावा भी शुगर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस कम हैं और बच्चे के नॉर्मल वेट, पैदाइश पे नॉर्मल वेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर विटामिन डी नॉर्मल मकदार में है। अगर कभी प्रेगनेंसी में किसी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और उनके टेस्ट में ये देखा गया कि विटामिन डी की कमी है तो वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें ताकि उससे उनको बेनिफिट हो। इसी तरह जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है तो माँ ही वाइड सोर्स होती है कि बच्चे को दूध से कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिले। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी माँ को चाहिए कि वो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें ताकि बच्चे को उसका फ़ायदा रहे। प्रेगनेंसी के अलावा और ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, मसल पेन्स एंड एक्स के लिए भी ज़रूरी है और हेयर लॉस के लिए भी ज़रूरी है। अगर किसी को बोन में दर्द हैं, पट्ठों की शिकायत है और बाल गिर रहे हैं तो वो अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं और अगर वो कम है तो उसके अपने डॉक्टर से मशवरे के हिसाब से विटामिन डी लें। इसके अलावा विटामिन डी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी काम आया है। कौन से कैंसर में ये मदद करता है? ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है अगर विटामिन डी बॉडी में नॉर्मल मकदार में है। देखा यह भी गया है कि अगर विटामिन डी की कमी हो फीमेल के अंदर तो जो ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं और उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या एंडोमेट्रियोसिस हैं जो फर्टिलिटी इश्यूज़ में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और उनमें अगर विटामिन डी की कमी है तो उनके प्रेगनेंसी के चांसेस मज़ीद कम हो जाते हैं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जहाँ ख़वातीन पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए या अपने एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो टारगेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ अगर वो विटामिन डी सप्लीमेंट भी लें तो उनके हामला होने के चांसेस कुछ बेहतर हो जाएंगे।